स्वागत है आपका क्राफ्ट और मॉडल के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक कुछ अजीब सा करने वाले हैं। अजीब सा नहीं है, वैसे आपने यूट्यूब पे कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग अपनी कार की या बाइक की बैटरी की जगह इस टाइप के जो बड़े सुपर कैपेसिटर होते हैं उनको लगा के ये क्लेम करते हैं कि उनको बैटरी की जरूरत नहीं है और गाड़ी सेल्फ भी ले रही है और सब कुछ चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। ये हमारे पास में एक 15,000 MFD यानि 15 फेरेट का एक कैपेसिटर है जो कि 75 वोल्ट का है। इसको हम लगा के देखने वाले हैं हीरो होंडा पैशन प्लस में। इसमें बैटरी नहीं है। अगर ये इसमें प्रॉपर तरीके से हॉर्न और इंडिकेटर ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं तो भी ये कैपेसिटर काम का हो सकता है। वैसे जो इसकी कीमत है लगभग 600 से 800 रुपये के बीच में होती है। तो अब कोई भी व्यक्ति इतना महंगा कैपेसिटर लगाने से अच्छा सीधे बैटरी ही लगाना पसंद करेगा। बट फिर भी आज मैं अपने लेवल पर चेक करना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब पे जो वीडियो लोग डाल देते हैं वो आखिर किस हद तक सही होती हैं। तो चलिए एक बार चेक करते हैं इसको। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बैटरी का जो पैनल है उसको खोलना होगा। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सिर्फ इसकी कॉइल लगी हुई है और बैटरी के वायर बैटरी इसमें नहीं है। और ये प्लस का और ये माइनस के वायर है। तो फिलहाल इनको इस प्लस और माइनस को हम ये इस तरीके के जो लक्स होते हैं जो कि इस कैपेसिटर में यहाँ पर लगेंगे इसमें इस एलंकी नट के थ्रू कस देते हैं और इसके वायर को हम काट देते हैं यहाँ से। दोनों को काम आएंगे। सही बात है। अब इनको लगा देते हैं हम। प्रॉपर वायर स्क्रैपर का यूज़ कर सकते हैं जब तक हम इसको खोल लेते हैं। काट दे फिर से छील ले। इसमें जोड़ के टेप करना है हमको। दूसरे वाले को भी इसी तरीके से जोड़ देना है। और अब माइनस और प्लस देख के जैसे इस कैपेसिटर में सिर्फ प्लस का जो टर्मिनल है उसको इंडिकेट किया होता है माइनस का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये माइनस वाला है तो इसको माइनस में लगाएं। थोड़ा सा प्लस से इसको बाद में हम और टाइट कर देंगे।
चार्ज नहीं होगा। तो गाइस इस कैपेसिटर को हमने अपनी गाड़ी में अभी लगा लिया। फिलहाल अब हम इसको एक बार गाड़ी को चालू करके देखेंगे और देखेंगे कि जो हॉर्न है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जब किसी भी डीसी हॉर्न को हम रेगुलेटर की जो सप्लाई है उससे चलाते हैं तो वो ठीक से नहीं बजता है, और अगर ये प्रॉपर तरीके से स्टोर कर रहा होगा चार्ज को तो हॉर्न सब अच्छे से बजेगा। तो आइए देखते हैं। तो गाइस अंतर तो काफ़ी पड़ा है, लेकिन अब क्योंकि ये वैसे ही रहा है जैसे कि पहले बचता था। एक बार हम इसको अब निकाल के देखते हैं, इसका फ्यूज हटा के देखते हैं कि ये बिना इसके कैसे बचता है। इसका फ्यूज निकालना एक बार और फिर हॉर्न बजाएंगे। और इसको हम इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि इसमें करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, चार्ज नहीं हुआ है। प्रॉपर तरीक हुआ था, स्पार्क आई थी। एक बार फिर से चार्ज करते हैं इसको और अब स्पार्क देखेंगे। तो स्पार्क जो है काफ़ी कम आ रही है, कुछ थोड़ा सा रेस देके चार्ज करेंगे इसको और फिर इसको चेक करेंगे। काफ़ी कम स्पार्क आ रही है, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दाने पड़ रहे हैं, मतलब करंट इसमें अच्छा स्टोर हो रहा है। अब एक बार हॉर्न वैसे बजा के देखेंगे बिना कैपेसिटर के। तो आप देख सकते हैं कि बिना कैपेसिटर के हॉर्न बज ही नहीं रहा है। ये हम दबाए हुए हैं यहाँ पे और जैसे ही इसको लगाते हैं हॉर्न जो है बजने लगता है। तो गाइस इस कैपेसिटर से भी काम आपका हो सकता है अगर आप चाहें तो, बट इससे वैसा कुछ इम्पैक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है जैसा कि YouTube के जो दूसरे क्रिएटर हैं वो क्लेम करते हैं कि सेल्फ VC से चल जाएगा और सब कुछ इससे हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो जो उनका क्लेम है, शायद हो सकता है मैंने कैपेसिटर दूसरा लिया हो, बट बैटरी का काम बैटरी ही कर सकती है क्योंकि उसमें रिएक्शन होती है, उसमें एक प्रोसेस होती है। इसको टेम्प्रेरी लगा के रखा जा सकता है अगर आपको बैटरी नहीं लगवानी है तो, बट इट कैन नॉट बी वर्क एज ए बैटरी क्योंकि इसमें इतनी ग्रेविटी नहीं होती कि जो सेल्फ को जितना पावर लगता है वो दे सके। तो उम्मीद है कि ऐसे छोटा सा जो एक मिथ बस्टर वीडियो जो हमने बनाया आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।